क्या लगता है, आप एक युवा हैं, कैसे देख रहे हैं 28 तारीख की यात्रा को? अगर विश्व हिंदू परिषद आह्वान करता है तो भाई सारा हिंदू समाज वहाँ पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। आज राकेश टिकैत ने मन से कहा कि अगर यात्रा निकलेगी तो 4 लाख लोग लेकर मैं पहुंचूंगा, हम भी वहां पर आएंगे, देखे कैसे यात्रा निकालेगा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद। अच्छा, वो यात्रा निकलने से रोकेगा वो? अरे हम 50 लाख नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 50 लाख वो लाख की बात करता है, हम उसको आन तो दो जरा, हम देखते हैं कितना डकैत है वो। अबे कितना पैसा खा रखा सुने, सावन का महीना है, अपना कोई त्योहार मना रहा है तो कोई किसी के त्योहार को नहीं रोक सकता। ये हिंदुओं का त्योहार है, सावन का महीना है, आखिरी सोमवार है, तो ये निकलेगी यात्रा। तो अगर कहा कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का तो काम है दंगा भड़काना और बीजेपी के इशारे पर वो काम करते हैं। कोई मंदिर में जा रहा है, इसमें क्या दंगे भड़क रहे हैं भाई साहब? कांग्रेसी हैं यार, ये पैसे लेके काम करते हैं, डकैत डकैत हद करते हो, चोर है। तो यहाँ तुम्हें अखबार दे देता हूँ मैं, चलो मेरे घर चलते हो, सारे अखबार दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ कितने इसको बहलो आए, इस कर दी सोने की सारी की खा के। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट आने, डकैत मेरे सामने आवे। क्यों जी, आपको क्या लग रहा है? काम बहुत बढ़िया लग रहा है। ये सारे डाकू हैं, ये तो डाकू हैं, इनका क्या कहो आप, जो चोर है। कांग्रेसी को क्या डर है, ये भी डर है, इनको जाने दंगाइयों से मिले हुए। अरे दंगाई से मिले पड़े हैं और ये पैसे देते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, इनका काम है ये तो। अब इनकी मलाई खत्म हो गई है, वो खम्मा पे से ना दही लग रही, तो वो खत्म होगी इनकी। तस्वीरों में देखे कांग्रेसी भागने लगे। आजा 84 में कितने मारे सरदार, आजा कोई गया था यहाँ से तो वो रख दे विचार नहीं। तो यार यात्रा निकलनी नहीं चाहिए, यात्रा निकलनी चाहिए, कांग्रेसी भी कह रहे निकलनी चाहिए। हाँ निकलनी चाहिए थोड़ी है, तो हिंदुत्व की है, तो मंदिर वाले निकाल रहे हैं ना, इसमें कोई बीजेपी वाला निकाल रहा है यात्रा, कांग्रेस निकाल रहा है, पर हाँ जो करा वो गलत हुआ, राजनीति गलत है जो राजनीति। शिकायत ने आज कहा कि यात्रा अगर होगी तो हम भी जाएंगे ट्रैक्टर लेके। भाई होगी हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, विरोध में जाएंगे भाई साहब। कौन? राकेश शिकायत ना, हम काहे विरोध में जाएंगे, हम तो यात्रा में जाएंगे। हो जाएगी जात बिरादरी, अब मैं कुछ कहूंगा तो हो जाएगी जात बिरादरी वाली बात। राकेश टिकैत ने आज कहा, तमाम किसान संगठन अलवर में जुटे, उन्होंने कहा कि यात्रा नहीं होनी चाहिए और अगर यात्रा होगी तो हम लोग भी वहां जाएंगे विरोध में। किस बात का विरोध करेंगे? अब मैं कह दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ है? आप एक बात बताइए, किसी के घर में यात्रा कर रहे हैं, पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं, अपने मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर के अलावा थोड़ी ना जा रहे हैं कहीं। मान लीजिए कि किसी के घर में से यात्रा थोड़ी निकालेंगे, सेकंड किसी के घर में से यात्रा थोड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है? जब आप यात्रा के नाम पे विरोध प्रदर्शन करते हो। विरोध प्रदर्शन में भी कैसे, जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को हर्ट करते हो, ऐसा कुछ है नहीं है। दूसरी चीज, जब ऑलरेडी और क्या होता है, अगर कोई भी यात्रा निकल रही है आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन लेनी होती है। भाई परमिशन का तो कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये चीज सरकार के दिमाग में है कि 28 को ऑलरेडी वहाँ पे यात्रा निकलेगी। तो जब वो चीज यात्रा निकल रही है और सर तीसरी चीज क्या होती है ना, आपको अगर भाईचारा बना के रखना है तो दोनों साइड से चलेगा, इस हाथ से भी चलेगा और इस हाथ से भी चलेगा। वो तो कह रहे कि भाईचारा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस को तो आतंकवादी संगठन बता दिया उन्होंने आज। अच्छा, फिर कोविड में जो इतना काम करा था वो आतंकवादी संगठन ने किया था? आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी संस्था ने 10,000 बेड करवा दी थे कोविड में? खाना बांटा गया, किसी से ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है? मानवता सबसे ऊपर रही, हम महादेव के ऊपर जल चढ़ाने तो जा रहे हैं। और देखिए मैं बोलता हूँ ठीक है, ये आतंकवादी है, फिर फैक्ट है, वो ओपिनियन ओरिएंटेड स्टेटमेंट को फैक्ट नहीं बोल सकते, किस बेस पे बोल रहे हैं वो? मैं कहता हूँ ठीक है, उन पे आरएसएस या बजरंग दल जो भी है उन पे कर दे मानहानि का दावा, केस कर दे। आप एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो, आप किसके लिए? उसके लिए जिसने ऑलरेडी समाज में इतना कुछ किया है। मान रहे हैं कि इतना प्रोवोक किया गया कि पत्थरबाजी हो गई, उसमें बजरंग दल के लोगों ने गाड़ियां फूकी, एक बार वो करने से इतना सारा हथियार आ गया एकदम, है गनवन लिया है थोड़े से प्रवोक करने से। वो तो आरोप बजरंग दल पर है ना, कि बजरंग दल पे वो लेके आए दंगाई, बजरंग दल वालों ने, बजरंग दल वालों ने हथियार बांटे उनको जाकर, ये आरोप लगा रहे हैं वो लोग। यार जो छतों पे पत्थर थे वो भी बजरंग दल देके आया था, जो पेट्रोल पंप जले थे वहाँ पे बाईपास पे, वो कहाँ से आए थे? प्री प्लान ही एकदम तो बने नहीं, पेट्रोल पंप मैं लिया था और करके बना। ये भी कहना है कि अगर कोई ये कहेगा तुम्हारे घर में आके कि तुम्हारा जी जा रहा है तो फिर तो स्वागत ऐसे ही होगा, तो उन्हें मतलब उन्होंने उसी दिन स्वागत करना ना, थोड़ी देर उसी जी जा का स्वागत करना था उन्हें, आम जो जनता ही उसका स्वागत क्यों करा? लेडीजों ने थोड़ी ना कही कि तुम्हारा जी जा रहा है, लेडीजों ने बोला था कि तुम्हारा जी जा रहा है, ये तुम्हारी साथ बहुत से लोग थे मंदिर में, या अकेला बिट्टू बजरंगी गया था? लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए उन्हें ये था कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर दोनों यात्रा में आ रहे हैं, दोनों को क्लीन चिट मिल चुकी है, बता दूं तो बिट्टू बजरंगी को भी और मोनू मानेसर को भी। अब यही तो कह रहे हैं कि देखिए इनकी सरकार अपने लोगों को माफ कर रहे हैं, मतलब पुलिस वाले ऐसे गुद्दी पकड़ के और यूं लेके जा रहे हैं, अच्छी तरह तोड़ेंगे उसको, है कराओ कुछ भी हुआ चाहे कुछ भी हो पीछे, बेकसूर हैं हमारे बच्चे, उनको जबरदस्ती उठा रही है, शोषण हो रहा है, ये आरोप मुस्लिम लगा रहे हैं। अभी क्या कहें आपको, बोलूं प्रशासन गलत काम करेगा,
आपको लगता है प्रशासन सही है? उम्मीद के प्रशासन गलत काम करेगा, प्रशासन अच्छा काम करता है। प्रशासन ने ये कहना है कि हमारी सरकार नहीं है ना, बीजेपी की सरकार है। सरकार का कोई कुछ नहीं है, सरकार हमारी है क्या? हमारी बता दो, हमारी है सरकार। तो कहते हैं हिंदुओं की सरकार है। साथ क्या हुआ है आपने देखा है? नूह दंगाइयों में महिलाओं के साथ क्या हुआ है, बच्चों के साथ क्या हुआ है, देखा है, पता है, सब मीडिया में आई है। हम कहाँ जाएं, हम सरकार से कहें? हमारी भी नहीं है सरकार। सरकार ने हाथ खड़े पहले कर दी। आप चलिए चाहिए बताइए, मैं दोबारा 28 तारीख को यात्रा निकल रही है, उसमें टिकैत साहब ने तो कह दिया कि अगर तुम आओगे तो हम भी आएंगे, मंच पर ऐसी ऐसी बातें कहेगी जिनका यहाँ जिक्र नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि उन लोगों का ऐसा बोलना आप लोगों के खिलाफ उसे क्या वजह है? जो गलत टिप्पणी करता है वो अपने उस जो गलत करता है उसको जवाब दो, ना कि पूरे समाज को जवाब दो। आई बात समझ में? तो ये है कि जो भाई शोभा यात्रा वो तो निकलेगी, निकलेगी उसको नहीं रोक सकता कोई भी। क्या भाई हम मेवात जाना ही छोड़ दें उनके दंगाइयों के पीछे जो दंगे करते हैं? या तो ये है ना, मतलब मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं उसे कि भाई हिंदुओं तुम उधर रहो इधर मत आओ। भाई मंदिर में तो जाएंगे, जल अभिषेक तो होगा 28 तारीख। आप कह रहे मिनी पाकिस्तान, वहाँ तो आज क्रांतियों की भूमि, वीरों की भूमि, आजादी की लड़ाई में योगदान सब बताया गया। अब तो सब याद आएंगे ना, जो क्रांति वगैरह, अब तो सब याद लगा रहे हो, रोक क्यों लगा रहे हो? मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो उसे? हिंदू तो भाई आएंगे, आपकी सरकार है तो परमिशन देकर सुरक्षा में यात्रा निकाले ना। सरकार हमारी नहीं है, हमारे साथ भी अत्याचार हुआ है, सरकार हमारी नहीं है। एक बात बताइए मेरे को, सरकार आप किस बेस पे बोलते हैं हमारी सरकार है? पहली चीज होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, सब हटा दीजिए, हिंदू मुस्लिम सब हटा दो, किस बात पे मानी जाती है कि सरकार उसकी है? आपने पॉलिसी में क्या बनाया है? 2014, 2019, 2023 चल रहा है, मैं आपको लाइन से गिनवा सकता हूँ कि कितना फायदा दिया हुआ है, ठीक है? मुस्लिमों को, मुस्लिम सर, माइनॉरिटी कमीशन हर स्टेट में है, ये तो मानते हैं? माइनॉरिटी मुस्लिम्स की बात कीजिए बस, मैं मुस्लिम की बात करता हूँ। आप जाके एक बार डेटा चेक करिए जरा, और मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि मैं ये नहीं बोलता कि किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, किया है, लेकिन स्पीड हर चीज अपने दायरे में की जाएगी ना। बात आती है कम्युनल वायलेंस की, ठीक है, ये कहना था कि नासिर और जुनैद की हत्या का आरोप मोनू मानेसर पर लगा, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से भी लोगों में गुस्सा था, ठीक है, मान लिया गुस्सा था उसमें उन लोगों, अरे उसमें औरतों की क्या गलती थी? रेप कर रहे हैं यार उनके साथ, बच्चे क्यों फंसे हुए हैं, बुजुर्ग लोग फंसे हुए हैं, आपको दिक्कत है मोनू मानेसर से या किसी भी उससे, जो भी उस इंसिडेंट में था उसको पकड़ो ना, उसका तो तुम पे कुछ हुआ नहीं, जो मासूम लोग हैं। एक बात, गरीब जनता मार गिरी हुआ,